जो करेंगे वो है यौगिक क्रियाएं। ठीक है, कल इसके बारे में था कि यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है ना, यौगिक क्रिया क्या चीज है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद या नॉर्मली क्या है बेटे, इंसान में तीन दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है बेटा, तीन दोष माने जाते हैं जिसे हम त्रिदोष कहते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से एक भी चीज जो है इनका नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है, वात, पित्त और कफ का। जस्ट अ मिनट, आई शुड एडमिट द स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और इनमें से एक की भी इम्बैलेंसिंग जो है होने से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में से या आउटर या जितने भी हैं। तो ये जो यौगिक क्रियाएं होती हैं इनके द्वारा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हैं इनको हम कैसे क्लीन करते हैं, उन्हें कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, उस चीज को हम कहते हैं देयर आर सिक्स डिफरेंट वेज। ठीक है बेटे, जिन्हें षट क्रिया बोलते हैं। हिंदी के वर्ड है, थ्री भी हिंदी का वर्ड था तीन से, षट जो है वो है ना छह से संबंधित है। तो अब वो कौन कौन सी हैं, उसमें आती है नेति। ठीक है, एक नेति है, एक जल नेति है। ठीक है, ये है दो क्रियाएं, मतलब एक की ही नेति की है। नेति क्रिया के अंदर क्या होता है बेटा, नॉर्मली इसका ना एक नेति पॉट भी होता है, स्पेशल पॉट होता है। जैसे आपने केटल देखी होगी घरों में, जो घर की केटल्स वगैरह होती हैं वो नॉर्मली स्पाउट यहाँ से उसके भाप या जो भी है ये हैंडल है और नॉर्मली इस तरीके की होती है ना। हमारी केटल्स ऐसे होती हैं, उसकी नोजल अपवर्ड होती है और ऊपर होती है। नेती में क्या होता है, इसी प्रकार का बर्तन होता है बेटा, ब्रास का नॉर्मली। उसमें जो नोजल है वो नीचे, ठीक है, नोजल जो है वो नीचे होती है और इससे हम प्रयोग करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ अवर नोज, नोस्टल्स, नेजल, जितना पैसेज है उसको क्लीन करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब किस तरीके से हेल्पफुल, किस तरीके से होता है बेटे, या इस क्रिया को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, हम नेति के द्वारा हम किस तरीके से अपने इस चीज को, हम नाक की नेजल्स को क्लीन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है या उसके तरीके बताए गए हैं। जल नेति, नेति होता है यहाँ पर, ठीक है, पॉट है उसे वैसे हम नेति बोलते हैं नॉर्मली। जल नेति में क्या करते हैं, हम गर्म पानी लेते हैं, बॉइल्ड नहीं, गर्म पानी किया 1 कप या 1.5 कप, उसमें आधा कप हमने नमक डाल दिया, उसे स्टर किया, उसके बाद इस पॉट में डाल दिया। ठीक है बेटे, और इसको हम क्या करते हैं, एक नेजल में, क्योंकि इसकी जो नोजल होती है ये बहुत ही एग्जैक्ट उसी तरीके से बनी होती है जो इजिली हमारे नोजल में, ये नोस्टल में जो है, नोस्टल में वो आराम से जा सके, और हम एक नोस्टल में वाटर को डालते हैं और टिल्ट कर देते हैं अपनी बॉडी को, और क्या होता है दूसरे नॉस्टल से हमारी क्लीनिंग होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, वाटर जो है उसका बाहर आना बहुत जरूरी है और वो आता है। ठीक है, इस क्रिया को करते हुए एक चीज का खास ध्यान रखना होता है बेटे हमें, कि हमने सांस मुंह से लेनी होती है उस समय, क्योंकि नाक से डाल रहे हैं तो नाक से सांस तो नहीं ना हम लेंगे, नहीं तो वो तो पैसेज में चल जाएगा। हमने सांस की क्रिया जो है वो मुंह से करनी है और नाक से पानी डालकर, जिसे ल्यूक वाटर या वार्म वाटर बोलते हैं नमक वाला, उसे डाल के अपना पूरा इंटरनल नोस्टिल जो है उसको क्लीन करना होता है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को टिल्ट करके। ठीक है, हम एक अगर लेफ्ट में डाला है तो राइट साइड को बेंड करेंगे, अगर राइट साइड पे तो अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। तो
इससे क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी ठीक हो जाता है। ये क्रियाएं हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, ये बहुत टफ क्रियाएं या इसके लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए हमेशा ऐसी जो क्रियाएं करनी होती हैं वो अंडर द गाइडेंस ऑफ अ एक्सपर्ट पर्सन करनी होती हैं, नहीं तो इसका रिस्क भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी के, और ये किस समय इंटरनल कहीं पर भी या विंड पाइप या कहीं पर चले गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्टी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे नेजल को, नॉस्टिल को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसी में एक और क्रिया आती है, धौतिक क्रिया। अब वो क्या होती है, क्योंकि मैं इनके नेम, सॉरी, पहले सूत्र क्रिया करते हैं। सूत्र का मतलब है, सॉरी, थ्रेड, थ्रेड के ऊपर कोटेड कर देते हैं। नॉर्मली हम किससे करते हैं, वैक्स से कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। नेजल में डालना है, नाक से डाल के मुंह से उसको, दोनों पोर्शन को पकड़ के हम क्लीनिंग करते हैं। जो योगा करते हैं ना, आमतौर पर ये टीवी में इनकी काफी सारी वीडियोस आती हैं इन चीजों की, उससे क्या होता है, हम क्लीनिंग करने से हमारे जो नेजल में जितने बैक्टीरियाज हैं ट्रैप्ड बाय द म्यूकस एंड ऑल, वो सारे आसानी से क्लीन हो जाते हैं। जितना टॉक्सिन वगैरह जो भी चीजें जमा हैं, ठीक है, सीलिया में जो जमा हो जाते हैं हमारी बॉडी नोज के, वो बाहर आसानी से निकल जाते हैं, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। दो तरीके से हम क्लीन अपने उसको, नाक को कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली तो हम जो लेमैन है उसने तो एक ही काम करना होता है, अगर कोल्ड है, और कोल्ड में हेल्पफुल होता है जिनको साइनसिस होता है, मास्क बढ़ जाना या हड्डी वगैरह या सांस नहीं या आवाजें आती हैं या कुछ है, इन क्रियाओं को करने से बहुत ही फर्क पड़ता है या उन्हें इन चीजों का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। सॉरी, ठीक है, ये दो क्रियाएं समझ में आ गई और टेक्निक समझ में आ गई कि कैसे हमने प्रैक्टिस करनी है। इसमें पानी के द्वारा, पानी, गर्म पानी जो है उसमें हमने नमक डालकर, और उसके बाद एक नॉस्टल से दूसरे नॉस्टल और दूसरे नॉस्टल से नॉस्टल में हमने वाइस वर्सा करना है, और उसे क्रिया को करना है अंडर द एक्सपर्टीज। इसी तरीके से जो हमने सूत्र क्रिया करनी है वो भी इसी तरीके से करनी है। ये दोनों क्रियाएं जो है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अवर नोस्टल्स, इसे साफ करने के लिए मददगार होती हैं, ठीक है ना, क्लींजिंग करनी, प्यूरिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्रिया है हमारी, उसे हम धोती क्रिया कहते हैं, धोती, ठीक है, धोती पहनने वाले ने धोती इसको वर्ड को बोलते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का वर्ड है, इसे हम कहते हैं धोती क्रिया। अब ये क्या है, ये किस चीज को क्लीन करता है, यह हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक को, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से। इसमें क्या किया जाता है, लंबे से बड़े पतले, जैसे मलमल का कपड़ा होता है ना, इस तरीके से मोसलिन होती है, उस कपड़े के लिया जाता है और उसे धीरे धीरे मुंह में डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद यानी कि सारा एक साथ जाता है, उसे सॉलो करना होता है, थोड़ी पार्ट तक डे बाय डे इंक्रीजिंग होता है, और उसके बाद बाहर निकाला जाता है, इससे क्लीनिंग होती है। कई बार क्या करते हैं, हम वाटर से भी करते हैं अपने इंटेस्टाइन या इसके निकालने के लिए, तो आपने देखा होगा कई बार हम जब वैसे भी प्रॉब्लम में होते हैं ना, इनडाइजेशन हो रही हो या कुछ हो, तो नॉर्मली घर के बोलते हैं कि बेटा ऐसे करो, वॉमिट कर दो। इफ वी से कि आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर अंदर डालो, दोनों मिला के, या ब्रश से अच्छे से करो, ताकि तुम्हारी बॉडी में जितना डिटॉक्सिन या इनडाइजेशन के कारण या पॉइजनस जो भी हुआ है फूड का, वो बाहर आ जाए और तुम्हारी हेल्थ जो है वो करेक्ट हो जाए। तो ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, छह क्रियाएं हैं जो हमारे पूरे बॉडी के नाक, कान, आंखें, इन सबको क्लीन करने में
बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम, सॉरी बेटा, इन्हें हम योगिक क्रियाएं के अंडर लाते हैं। ठीक है, बैठ कर करना है, इनके एक्चुअल पोजीशंस होती हैं, दोनों पैरों पर बैठ कर करना हमने इनकी एक्सरसाइजेस को, या ये भी प्रैक्टिसिंग जो भी इसकी करनी होती है वो हम इसके द्वारा करते हैं, निद्रा आसन में, या अपने पलटी कर उल्टा होके लेटना, या साइड वर्ड होके लेटना। इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन्हें हम आसानी से करते हैं। ठीक है बेटा, ये जो है ये न्योली क्रियाएं हैं, नेति क्रिया है, धोती क्रिया है, ये सारी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, अदरवाइज तो हम करते नहीं है। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमारी स्टफिंग जो है वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं, पोल्यूशन के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आजकल पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण ये मास्क डेली लगाना या हर टाइम लगाने से हम खुद की हवा ले रहे हैं, ये हमारे इंटरनल कोई क्लीनिंग चीज तो नहीं हो रही है ना। तो हम योगिक क्रियाओं के द्वारा या ऐसी क्रियाओं के द्वारा हम आसानी से अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स को और ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो योगा है ना बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैंने उस दिन भी बोला था, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, या अकॉर्डिंग टू लेसन आई एम टेलिंग यू, या इसके बेनिफिट्स हमने पढ़े भी हैं, देखे भी हैं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर है, डिफॉर्मिटीज, जितनी डिफॉर्मिटीज थी वो रिलेटेड टू बोन्स थी जो कल करवाया था। ठीक है ना बेटा, ये क्या है, ये बड़ी आसानी से रिमूव या बेटर हो सकती है हमारे लिए, ये चीजें बेटर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हमारी क्लीनिंग हो गई नोस्टल की, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी भी हेल्पफुल हो जाएगा और सर्कुलेटरी भी, मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन वो भी फ्रेश, क्योंकि कोई उसमें बैक्टीरियल जो हमारे इंटरनल है वो कोई भी उसमें डिस्टरबेंस नहीं ला सकते, और हम क्लीन, एक तरीके से बिल्कुल क्लीन एयर इनटेक करेंगे जो हमारी बॉडी को के लिए फ्रूटफुल होते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, क्योंकि जो हेल्दी पर्सन होता है वही मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, जो अनहेल्दी है वो इरिटेटिंग भी होगा, एग्रेसिव भी होगा, स्ट्रेसफुल भी होगा, वर्किंग जो उसकी होगी वो भी कैसी रहेगी, स्लो डाउन हो जाएगी, परफॉर्मेंसेस जो है वो उसकी स्लो डाउन हो जाती है, वो कोई भी हो। अगर आप बीमार हो तो यू कैन फाइंड दिस वेरी वेल कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी क्या प्रॉब्लम रहती है कि मुझे मत बुलाओ, ये मत करो, वो इरिटेशन जिससे कहते हैं ना, इरिटेट होना, या बार बार उस तरीके से बात करते हैं। तो योगा या योगी क्रियाएं या निद्रा योग, इस तरीके की क्रियाएं करने से हमें बहुत फायदा मिलता है बॉडी को, और अगर हम हेल्दी होंगे, एज वी ऑल नो दैट वी आर द नेशनल प्रॉपर्टी, जिस देश के लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे, वहां की आउटपुट, हर चीज की सोच अच्छी होगी, क्योंकि फिजिकली और मेंटली हम स्ट्रांग हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, और मैक्सिमम आउटपुट देने में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए जो योगा है हमारे लिए वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी जरूरी योगा, फिजिकल एक्टिविटीज हर टाइम हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, क्लास में कंसंट्रेशन तभी बनेगी जब हम फिट होंगे, नहीं तो हमें कहाँ पर पेन है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ इसी पर हम रहते हैं और हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है वो बनी रहती है, ओहो यहाँ पेन हो रही है, मुझे बैक पे पेन हो रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू लिसन, और आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं बेटे, इन सारी चीजों को फायदा हमें कब मिलता है, जब हम तंदुरुस्त होते हैं, और तंदुरुस्त हम कब हो सकते हैं, जब हम अच्छा खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, स्ट्रेस लेवल को रिमूव करते हैं,
अलर्टनेस हम में आती है जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव चीज़ें कब आती हैं? व्हेन वी